78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला द्वारा अनाडेल मैदान से बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा का मकसद देश के लोगों में देश प्रेम और भक्ति की भावना पैदा करने के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है। इसके अलावा सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेना के जवानों के परिवार ने एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। ये जो इस बार 78th इंडिपेंडेंस डे है, भारतीय सेना इसको पूरे जोश के साथ मना रही है, जैसे कि पूरे ऑल ओवर इंडियन आर्मी, ये खाली शिमला में ही नहीं है, पूरी इंडियन आर्मी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम्स रखे गए हैं। इसमें शामिल है एक ये रैली जो आज हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ की है, मोटरसाइकिल रैली, जो कि तकरीबन 5 घंटे की रैली है एक दिन की, और साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन भी हमने सही तरीके से शुरू किया। तो इसमें कई एक जगह पे सभी ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग फैमिलीज जो हमारे हैं, सभी ने वृक्षारोपण की कार्रवाई अपने अपने इलाके में किया है। तो ये है इसका मकसद, और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से आपको सबको और सारे आपके जो देखने वाले दर्शक हैं सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।